नमस्कार, फर्स्ट बिहार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सना रहमान। आरएसएस पर पटना एसएसपी की तरफ से की गई विवादित टिप्पणी के बाद अब बिहार की सियासत जो है वो तेज हो गई है। बिहार में लगातार बीजेपी की तरफ से ये मांग की जा रही है कि पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों पर जल्द से जल्द कार्रवाई की जाए। बीजेपी के कई मंत्रियों ने ये मांग की है कि जल्द से जल्द नीतीश सरकार उनको उनके पद से हटा दे। वह इन सबके बीच आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह की भी अब एंट्री हो गई है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने अब खुले तौर पर यह समझा दिया है कि वाकई में आरएसएस का मतलब क्या होता है। गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल से आरएसएस को समझाते हुए कई ट्वीट किए हैं। आपको दिखाते हैं कि गिरिराज सिंह ने ट्वीट करते हुए आरएसएस के बारे में क्या कुछ लिखा है। गिरिराज सिंह ने अपने ट्विटर हैंडल के माध्यम से कहा है कि आरएसएस का मतलब राष्ट्र प्रेम, आरएसएस का मतलब राष्ट्र कल्याण, आरएसएस मतलब देश सेवा, आरएसएस मतलब जन कल्याण, आरएसएस मतलब मानवता और सौहार्द, आरएसएस का मतलब संविधान के हिमायती। देश और दुनिया का हर समझदार व्यक्ति इस बात को जानता है, सिवाय कुछ एजेंडेवादियों और तुष्टिकरण के पैरोकारों के। दरअसल आपको बता दें कि फुलवारी शरीफ से 3 आतंकी पकड़े गए थे, जिसके बाद पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उनकी जुबान अचानक फिसल गई। एसएसपी ने कह दिया कि आरएसएस की शाखा की तर्ज पर देश विरोधी तत्व तैयार किए जाते हैं। पटना एसएसपी के इस बयान के बाद अब राजनीति तेज हो गई है। इसके बाद कई नेताओं ने इस बयान पर हमला बोला। बीजेपी विधायक हरिभूषण ठाकुर बचौल ने तो यहां तक कह दिया कि एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों का मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। बचौल ने पटना एसएसपी की बर्खास्ती की मांग भी की है। वहीं पटना एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने फुलवारी शरीफ में मार्शल आर्ट और शारीरिक प्रशिक्षण देने की आड़ में चल रहे आतंकी प्रशिक्षण की तुलना राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी के आरएसएस से कर दी थी। पटना एसएसपी का ये कहना था कि आरएसएस अपनी शाखा ऑर्गेनाइज करती है, लाठी की ट्रेनिंग देता है और इसी तरह ये लोग भी शारीरिक प्रशिक्षण के नाम पर यूथ को बुलाकर प्रशिक्षित कर रहे, उसी के साथ अपने एजेंडों से यूथ का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। को बता दें कि जिस तरीके से पटना एसएसपी ने आरएसएस की तुलना आतंकी संगठन से कर दी है, उसके बाद लगातार बिहार में जो है सियासत वो तेज हो गई है। लगातार कई मांग की जा रही है। बीजेपी के मंत्री मानवजीत सिंह ढिल्लों पर कड़ा हमला कर रहे हैं, उन पर निशाना साध रहे हैं। बचौल का भी साफ तौर पे ये कहना है कि उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया। ऐसे में देखने वाली बात होती है कि बीजेपी की तरफ से जो मांग की जा रही है कि पटना एसएसपी को जल्द से जल्द उनके पद से हटाया जाए, नीतीश सरकार की से इस पे क्या फैसला लिया जाता है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम बड़ी खबरों के लिए फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ बने रहिए। अगर आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करें, अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। साथ ही कमेंट बॉक्स में यह भी बताएं कि आपको हमारी खबरें कैसी लगती हैं।